हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं विवेक शर्मा बेटा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। बेटा, जिसकी 12:20 पर जो आपके बी और सी सेक्शन थे वो आप दोबारा से क्लास ले सकते हैं बेटा। और जो आपका बेटा डी और ई सेक्शन है वो बेटा आपका अब ये टाइम है उनका, तो जल्दी से लाइव हो जाइए बेटा। फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज बेटा। पीरियोडिक टेबल की हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। और एक एक चीज़ आपको आज डिस्क्रिप्टिवली हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे, आपके एग्जाम ऑफ यू से बहुत ज़रूरी है। और बेटा सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अटेंडेंस ज़रूर दे दे मुझे, है ना। आपके स्कूल में मुझे भेजना है अटेंडेंस, तो जल्दी से आप अपना नाम और बेटा क्लास का जो सेक्शन है वो ज़रूर लिख दें। वेरी गुड बेटा, नाम और क्लास का सेक्शन ज़रूर लिख दें। और अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा। डी और ई सेक्शन के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े क्योंकि उनका यही टाइम था, ठीक है ना। चलिए, और बेटा जो आपके बी और सी सेक्शन है वो भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा कि आपके नंबर ऑफ पीरियड जो है वो 7 है बेटा, और नंबर ऑफ ग्रुप है आपके 18। नंबर ऑफ पीरियड है बेटा जिसका नाम है, पीरियड कितने हैं 7 और ग्रुप्स कितने हैं बेटा 18। तो आज हम पढ़ते हैं क्या, आप कहेंगे सर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बेटा आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बहुत ध्यान से देखें, ठीक है बेटा। जल्दी से जल्दी एक बार जुड़ जाइए आप, बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए पहले बात कर लेते हैं बेटा जिसका नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली इसकी प्रॉपर्टी आती है और उसका नाम है बेटा, आप कहेंगे सर वैलेंसी। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बेटा, और आप इसको नोट क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप फिर आप जो है अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए वैलेंसी बेटा संयोजकता। बेटा पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए, वैलेंसी उस चीज़ को बोलते हैं कि किसके पास किसी चीज़ की कमी है। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी, यानी कि किसी भी एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उस चीज़ को हम बोलते हैं वैलेंसी। और बेटा एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वैलेंसी क्या है, आप कहेंगे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक डेफिनेशन आपके काम की है। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। बेटा ध्यान से देखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। इसी तरह से बेटा मैं अगर आपसे कहूं क्या प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ध्यान से देखो बेटा आउटर मोस्ट सेल के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस कार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा वैलेंसी के अंदर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर फर्क महसूस करें कि किसके पास कितने प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब सबसे बाहरी सेल में। तो बेटा वो तो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसका उसको अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कितने कम पड़ रहे हैं
उस कम को हम बोलते हैं बेटा वैलेंसी, उस कम को बोल रहे हैं हम जिसका नाम है वैलेंसी। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको ब्लॉक पढ़ाए थे, पहला था आपका एस ब्लॉक। तो ध्यान से देखिए, एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं बेटा, उसके अंदर आपके केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप कहेंगे सर दो आ सकते हैं। ऐसे ही बेटा आपका पी ब्लॉक जो है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में तो पी के अंदर कितने आएंगे? छः। ये आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से बेटा बेटा जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, अपनी अटेंडेंस का विशेष ध्यान रखें, जो जुड़ रहे हैं अपनी अटेंडेंस जरूर लिख दे बेटा, कोई भी सेक्शन के हैं आप नाम और सेक्शन जरूर लिख के। इसी तरह से बेटा जो आपका डी ब्लॉक है, तो आपके डी के अंदर कितने आएंगे? आप कहेंगे सर 10। और बेटा आपका एफ ब्लॉक जो है, तो एफ के अंदर आपके कितने आते हैं? आप कहेंगे सर 14 आते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट में यानी कि एस के अंदर दो आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पी में बेटा छः आएंगे, डी में बेटा 10 आएंगे, और जहाँ पर एफ लिखा होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अब एक बात देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड एज। तो बेटा एक बात ध्यान रखे, उसका फॉर्मूला होता है 2n2। किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे 2n2। इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। जैसे बेटा मान लो n की वैल्यू कितनी हो जाए आपकी 1, तो इसका मतलब बेटा आपका ये s है, तो s है तो बेटा हम क्या करेंगे 2 × 1 का स्क्वेयर, तो बेटा कितना आ गया? आप कहेंगे सर 2 आ गया। तो बेटा s में है कितने? 2, हम ऊपर 2 लिख चुके हैं। ऐसे बेटा अगर n इक्वल टू आपका 2 हो जाए, तो बेटा दूसरा आपका p होता है, तो बेटा 2 × 2 का स्क्वेयर, तो बेटा 2 का स्क्वेयर कितना हो गया? 4। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो कितना आया? आप कहेंगे सर 8 आया। तो बेटा 2 ये रहा और बेटा 8 ये रहा, तो अब 8 ना लिख के हमने 6 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस में और पी में जो ब्लॉक है बेटा या सेल है आपकी, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8। और बेटा मैं ये जानता हूँ कि अगर एस में 2 है तो बेटा पी में कितने होंगे? तब 8 होंगे। तो आप कहेंगे सर पी में हर हाल में कितने होने चाहिए? 6 होना चाहिए। एन कुछ भी हो सकता है बेटा, एन जो है आपका वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपके जो सिलेबस में है वो एन की वैल्यू बेटा 4 तक रखेंगे। एन की वैल्यू केवल क्या है? 4 तक रखेंगे। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे कहता एन की वैल्यू 3 है, ये देखो अगर बेटा एन की वैल्यू 3 है, तो आप कहेंगे सर 2 × 3 का स्क्वेयर, तो बेटा कितना हो गया? 3 × 3 = 9, और 9 को 2 से गुणा कर दे तो बेटा कितना हुआ? आप कहेंगे सर 18। तो बेटा आपका जो डी ब्लॉक है उसमें कितने होने चाहिए? आप कहेंगे सर टोटल 18, लेकिन बेटा मैं तो 2 ये भर चुका हूँ, 8 ये भर चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एस जमा पी जमा डी, और बेटा ये कितना होना चाहिए? 18। बेटा ये कितना होना चाहिए? 18। तो बेटा एस में कितने हैं? 2। बेटा पी में निकाल चुके हैं 6, तो बेटा 6 और 2 कितने हो गए? 8। और टोटल है बेटा 18, तो मैं बेटा डी में कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो 18 में से ये 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 10 ही तो बचा बेटा। है बेटा डी में कितना बच गया? आप कहेंगे सर डी में 18 ही तो बचा। तो बेटा हम यहाँ पे लिख चुके हैं डी ब्लॉक में आपके 10 हैं,
ऐसे ही बेटा आप f का निकाल सकते हैं, और f के अंदर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे सर f के अंदर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर f के अंदर आपका 14 आ जाएगा। ये बेटा आप हर हाल में याद रखें। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बेटा बात? तो हमने पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक आए थे, s के अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, d के अंदर 10, और बेटा f के अंदर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीन शूट ले सकते हैं बेटा, जल्दी से क्विकली स्क्रीन शूट ले, और बेटा इसको फेयर नोटबुक में लिखना है, इसको बेटा फेयर नोटबुक में लिखना है। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीन शूट। चलिए आगे चलिए बेटा, आगे चलिए। आप बेटा हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वैलेंसी है क्या या किस तरह से निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, केमिस्ट्री के अंदर ये चीजें पूछ सकता है। तो देखिए बेटा ध्यान से देखना, बेटा मैं कह रहा हूं इफ इफ नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, बेटा ध्यान से देखिएगा, यदि मैं कह रहा हूं ये वीडियो कब डालोगे, बेटा आज डाल देंगे इस वीडियो को, लेकिन पहले आप इस पर ध्यान दो, बाद में देख करते हैं। इफ नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, या बेटा इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो हम ये कह रहे हैं कि यदि कितनी हो बेटा, एक हो सकती है बेटा, और कितनी हो सकती है, या आपकी 2 हो सकती है बेटा, या आपकी बेटा कितनी हो सकती है 3, या बेटा आपकी कितनी हो सकती है, आप कहेंगे सर 4। पार्ट 3 अपलोड करेंगे अरमान, आज कर देंगे बेटा। बेटा 1 हो, 2 हो, 3 हो, या बेटा 4 हो, तो ध्यान से देखो। तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, आपकी जो वैलेंसी होगी वो बेटा यही हो जाएगी, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, और चार है तो चार। बेटा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है उसके बाहर की सेल के अंदर, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, वही उसकी वैलेंसी है। मतलब उसके पास प्रेजेंट भी उतने हैं और जरूरत भी उसको उतने की है। ध्यान से सुन लो, जितना बेटा उसके पास प्रेजेंट है उतना ही उसको चाहिए जब वो किसी के साथ मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएगा। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं यहां पे सब कुछ। देखो तो बेटा हम क्या कहेंगे, वैलेंसी जो होगी वही हमारा प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होगा, या बेटा इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो फॉर्मूला है बेटा वो वैलेंसी निकालने का है। क्या बात बेटा, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, अभी तो 25-26 ही हो तुम, मुझे 5,000 बच्चे लाइव चाहिए, जल्दी से करो बेटा। हाँ आगे देखो, अगर बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, 5, 6, 7, 8, तो आ जाओ इधर बेटा। दूसरा केस देखो, इफ नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल, तो आप कहेंगे सर 5 हो सकता है बेटा, या हो सकता है 6 हो, या बेटा हो सकता है 7 हो, या फिर बेटा कितना है 8। मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल,
आप कहेंगे सर 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो बेटा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसके लिए क्या करते हैं, या 5 6 या 7 है तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस लाइव आने की जरूरत है। वेरी गुड बेटा, तो वैलेंसी क्या है बेटा, आप कहेंगे सर 8, और ये 8 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो आपके बेटा प्रेजेंट है, ठीक है, 8 हमेशा रहेगा, हाँ 8 हमेशा रहेगा, इसमें से हमें 8 लिखने की जरूरत नहीं है, एक है तो एक वैलेंसी हो जाएगी, दो है तो दो, और तीन है तो तीन, और चार है तो चार, बेटा 8 में से चार जाएगा, जब भी चार ही आएगा ना, है ना, ठीक है। तो 8 माइनस, अब बेटा क्या है, आप कहेंगे सर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और बेटा प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो अब 5 भी हो सकता है बेटा, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है बेटा, और आपका 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है बेटा। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर 8 में से 5 घटाओगे तो बेटा वही 3 आ जाएगा, 8 में से 6 घटाओगे तो बेटा 2 आ जाएगा, और 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1, और बेटा 8 में से 8 माइनस करोगे तो 0, जिसको हम 0 कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखिए, 5 अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस करो, बेटा 6 है तो 8 में से करो, 7 है तो उसमें से करो 8 में से, और 8 में से 8 गया तो 0। तो बेटा 1 2 3 और 4 में माइनस नहीं करना है, केवल 5 6 7 8 के केस में ही उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ गए, आ जाओ, ठीक है बेटा, ये वैलेंसी कैलकुलेट करने का है। हाँ अरमान ने पूछा है सर 8 से ज्यादा नहीं होते, बेटा बार बार एक ही बात क्यों बुलवा रहे हो, है जब मैं कह रहा हूं कि 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 8 से ज्यादा होते तो ये फॉर्मूला ही ना बनता ना। चलिए बेटा, इस फॉर्मूले की सहायता से अब हम किसी की वैलेंसी और किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, आ जाइए। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटा ये वीडियो अपलोड हो जाएगी फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो मुझे फेयर नोटबुक में चाहिए स्कूल खुलते ही, हाँ ये बात ध्यान रखें, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है बेटा, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, आपको देना है। हाँ अभी एक बच्चा ही बढ़ा है, 27 ही हुए हो बेटा, कम से कम 5000 बढ़ाओ जल्दी इसको। चलिए बेटा आप क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा, देखो बेटा कल को क्वेश्चन आ जाए अच्छा सा, क्या आ जाए, वी हैव, ध्यान से देखिएगा, सोडियम, फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। बेटा ये दोनों ही बातें पूछ रहा है क्वेश्चन में, अपने पास सोडियम दे दिया, और बेटा ये वो कह रहा है कि सोडियम की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, तो बेटा डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलो, कुछ नहीं सोचना कुछ नहीं समझना, चलो आ जाओ देखो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका। बेटा सोडियम जो है Na, ये उसका सिंबल है, और बेटा उसका जो एटॉमिक नंबर है उसका सिंबल होता है Z, और वो आपका कितना होता है बोलो, 11, कितना होता है 11, ओके सपना 10th सी, बेटा बिल्कुल सही जवाब है, इतना कहने के बाद भी एक बच्चा और बढ़ा है, और बढ़ाओ बेटा जल्दी से, और ये लाइक 20 क्यों है समझ में नहीं आ रहा क्या, जल्दी से लाइक भी बढ़ाओ, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करो, हाँ शाबाश बेटा, बेटा कितने हैं 11, ओके अब बेटा इसको तीन सेल में तोड़ सकते हैं हम, पहला है S, दूसरा है बेटा P, तीसरा है D, और एक चौथा चाहो तो आपका हो सकता है F, तो बेटा चार ही तो सेल होते हैं, सही बात है, SPDF।
और अभी बताया एस में कितने इलेक्ट्रॉन, सोचो ही मत, दो, 11 में से दो गए तो कितने बचे बेटा, 8, 8 बचे। मैं जानता हूं कि पी के अंदर कितना आ सकता है बेटा, आप कहेंगे सर एस और पी दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा 8 हो जाएगा, एस में दो और पी में 6, तो दो और 6 कितने हो गए, 8, और बेटा लास्ट में कितना बच गया, 1। तो इसका मतलब ये हुआ सोडियम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है यही तो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, और बेटा प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही क्या नाम दिया गया है, आप कहेंगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट, फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, और मैंने बताया कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 में से आए तो वही उसकी वैलेंसी, तो बेटा वैलेंसी क्या है, तो आप कहेंगे सर वैलेंसी भी कितनी है, आप कहेंगे 1, और बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है, तो आप कहेंगे सर ये भी 1 है। क्लियर हुई बेटा बात, बेटा ध्यान से सुन लो बेटा, हम SPDF या बेटा ये कर लिया करो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है अधिकतम 8 आ सकते हैं, और बेटा बचेगा तो 1 ही, तो ये 8 कैसे बना है बेटा, इसमें S और P दोनों मिक्स हुए हैं तब जाके 8 आया है, लेकिन अकेले P की बात करेंगे तो उसमें तो 6 ही आएगा ना। कविता यादव यस सर, सपना 10th C, वेरी गुड बेटा, नेहा वेरी गुड, अरमान बेटा ये 3 और 6 नहीं आएगा ना, ऐसी बात करोगे तो अच्छी बात नहीं है, कैसे आएगा 3 और 6, लिख रहा हूँ 1, तो बेटा 1 का तो वही है जितनी वैलेंसी उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी, 2 होता तो बेटा 2 आ जाता, 3 होता तो 3, अगर सोडियम की जगह मैग्नीशियम ले तो 12, और 12 में बेटा 2 बचेंगे तो 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ही वैलेंसी। आप बेटा पेज नंबर 86 खोलो अपनी बुक का, NCERT का, और पीरियोडिक टेबल लिखी हुई है वहां पे, हाँ जल्दी से खोलो बेटा पेज नंबर 86। अच्छा सर वो 3 रोल नंबर है, सॉरी बेटा आप रोल नंबर अब लिखा है, पहले लिख देते तो इतना ना बोलना पड़ता। बेटा ऐसे ही अगर आपसे कह दे कैल्शियम की बताओ, तो बेटा एक और देखो, अगर अपने पास कैल्शियम होता तो क्या करते बेटा, सीधा सा जवाब है, देखो कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल जेड या CA, एटॉमिक नंबर जेड, और बेटा वो होता है कितना, 20, कैल्शियम 20 नंबर पर है बेटा, भरते चले जाओ पहले में कितने, 2, बेटा मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10। बेटा अब आपको 18 नहीं लिखना है, 8 ही लिखना है, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18, और बेटा बच कितने गए, 2, तो यही तो आउटर मोस्ट सेल है सबसे बाहर वाली, तो बाहर वाली में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर, और बेटा मैंने यही बताया था यही क्या हो जाएगी इसकी, आप कहेंगे सर वैलेंसी हो जाएगी। ये तो था तरीका, ये तो बेटा तरीका है, और अब देते हैं तुम्हें जादू की छड़ी, हाँ ये तो तुम्हें सिखाने के लिए था, लेकिन अब तुम्हें ऐसा तंत्र मंत्र दे रहे हैं जिससे तुम ये कहोगे अरे सर इतना आसान, हाँ ये समझाने, ये कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपकी बुक में लिखा है, और आपको नंबर लेने हैं तो ऐसे ही करने हैं, लेकिन अब एक तंत्र मंत्र देखो, देखो बेटा बेटा पेज नंबर 86 खोल लीजिए, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल बेटा जल्दी से खोल लीजिए, मेरे ख्याल से खोल ली होगी, देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड की तरफ नजर रहे बेटा, आपका जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें एक तो हाइड्रोजन लिखा है, ऐसे ही बेटा हाइड्रोजन के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, लिथियम, बेटा लिथियम के नीचे क्या लिखा हुआ है सर, सोडियम, और बेटा सोडियम के नीचे क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम,
बेटा हाइड्रोजन पहले नंबर पे ही तो आता है, वेरी गुड। लिथियम कितने पर आता है बेटा? 3 पर। सोडियम आता है 11 पर और बेटा पोटेशियम आता है 19 पर। तो बेटा ये आपका एक कॉलम बन गया ना, ऐसे देखेंगे आप तो ये ऐसे दिखेगा। हाँ ये आपका ऐसे दिखेगा, इसके नीचे अगर और भी कुछ है तो वो भी ऐसे ही लिख लेना। आप देखो बेटा, बेटा जो मोसले है जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई है 1913 के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसका बेस यही है एलिमेंटों का कि बेटा जितने भी एलिमेंट सीक्वेंस में रखे गए हैं ना, सबके वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ही हैं। ये हाइड्रोजन के नीचे लिथियम इसलिए आया है क्योंकि ये जो है इसकी भी इसके बराबर प्रॉपर्टी होगी बेटा, इसकी भी इसके बराबर होगी या इसकी इसके बराबर होगी, वरना ये आता ही नहीं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? चलिए आप देखकर देखते हैं बेटा, जादू की छड़ी देखो बेटा। हाइड्रोजन का ये जो एक लिखा है ये इसका एटॉमिक नंबर है बेटा। हाँ एटॉमिक नंबर है ये। और बेटा मैं जानता हूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें बेटा न्यूट्रॉन है ही नहीं। यही क्वेश्चन बन गया कि फाइंड आउट एन एलिमेंट नेम विच हैव अब्सेंट ऑफ द न्यूट्रॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है बेटा, केवल एक ऐसा एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को क्या है कि हर एक एलिमेंट के पास न्यूट्रॉन होगा बेटा, ये आपका नहीं है इसके अंदर, तो ये याद कर लेना हमेशा। तो बेटा जेड कितना है? 1। जेड कितना है बेटा? 1। अब एक बात बताओ बेटा, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? आपने ही तो बताया 2 आ सकते हैं। और बेटा हाइड्रोजन का है ही एक, तो मैं तो ये जानता हूँ कि बेटा जिसके पास जितना है ना उसको उतने की ही जरूरत है। हाँ आ गए ना वही, वेरी गुड, समझ गए। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तो एस के अंदर 2 आ सकते हैं, तो बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसके पास जब है ही एक तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो बेटा इसके पास हो ही नहीं सकते कभी भी, तो नहीं हो सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी एक है, और बेटा इसकी जो वैलेंसी है वो भी कितनी है? एक ही है हाइड्रोजन की। ऐसे बेटा लिथियम है, लिथियम का कितना है बेटा? 3। और बेटा 3 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, एस ब्लॉक में आ गया 2 और बेटा बच गया कितना? 1। तो लिथियम का ये भार वाला सेल ही तो है बेटा, लिथियम का ये भार वाला सेल ही तो है, तो सेल है तो बस वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी। तो बेटा मैंने यही तो कहा कि अगर हाइड्रोजन की एक है तो बेटा लिथियम की भी एक है। हाँ धर्मेंद्र कुमार वेरी गुड, नरेंद्र यादव वेरी गुड, निखिल राव चावास बेटा वेरी गुड, इसका मतलब तुम समझ गए। हाँ बेटा सोडियम का ले लो, अभी निकाड़ा ही था, सोडियम का एक होता है और बेटा ऐसे ही पोटेशियम का होता है। बेटा अब आपको एक एलिमेंट याद कर लो, अगर हाइड्रोजन याद हो गया आपको तो बेटा उसकी नीचे जितनी भी सीक्वेंस में एलिमेंट है सबका आंसर बेटा वही होगा, सबका आंसर बेटा वही होगा। एक याद कर लो, हाइड्रोजन या लिथियम या सोडियम या ये, बेटा समझे कि नहीं समझे? एक करते ही पूरी सीरीज याद हो जाएगी ये। अब बेटा दूसरे नंबर का एलिमेंट होता है हीलियम, देख लो हीलियम है 2 और मैं जानता हूं बेटा एस के अंदर कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। तो जो चीज पूरी तरह से भर जाएगी बेटा उसको हम बोलते हैं ग्रुप 18। बेटा हीलियम जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? आप कहेंगे सर ग्रुप 18 का, और बेटा इसी का नाम है क्या, ध्यान रखिएगा, इसी का दूसरा नाम होता है जीरो ग्रुप। कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप जीरो ग्रुप के नाम से जाना गया? आप कहेंगे सर ग्रुप नंबर 18। और बेटा एक नाम और है इसका, क्या इसको हम इनर्ट गैस भी कह सकते हैं, और बेटा इसी का दूसरा नाम है और वो क्या है? आप कहेंगे सर नोबल गैस।
तो ग्रुप 18 के अंदर वही एलिमेंट हैं जिसकी वैलेंसी जीरो है। जिसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? जीरो। तो पता चल गया सर हीलियम का दो है। तो बेटा अगर हीलियम के नीचे कोई दूसरा होता, और है भी कौन सा है? हीलियम के नीचे बेटा नियोन नहीं है क्या? और नियोन का कितना नंबर है? 10। ऐसे बेटा नियोन के नीचे क्या है? आर्गन। आर्गन का कितना है बेटा? 18। तो आप कहेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, बेटा ये जितनी भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रुप 18 के एलिमेंट है। और ग्रुप 18 को जो नाम दिया गया है वो जीरो ग्रुप, क्योंकि बेटा इन सभी की वैलेंसी कितनी है? आप कहेंगे सर इन सब की वैलेंसी कितनी है? जीरो है बेटा। लेकिन बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है। हाँ यही तो बात पकड़ने की थी, वैलेंसी तो जीरो कर दी लेकिन बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है। कैसे नहीं है बेटा? प्रेजेंट तो दो है ना, प्रेजेंट तो दो है, और प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोल रहे हैं हम? प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या है? प्रेजेंट है, वो जीरो नहीं है। लेकिन बेटा उसको ना तो किसी को डोनेट करना है और ना किसी से गेन करना है। तो जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं वो क्या? शून्य आदमी। तो यहाँ पे इसका कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो बेटा ये जीरो ही है, खत्म जिसको बोलते हैं। ये वो चीजें हैं, समझ गए? ओके बेटा, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, ऐसे पढ़ाने में मजा आता है, शाबाश बेटा। जो और ग्रुप के बच्चे हैं, सेक्शन के बच्चे हैं, उनको बोला करो कि क्लास होती है लाइव, विवेक सर आते हैं लाइव। बेटा ये आपके लिए है, मुझे थोड़ी देना है पेपर, आपको देना है। लेकिन मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी समझा दी है, वैलेंसी। तो बेटा हम यही कहेंगे कि वैलेंसी निकालना आ सकता है बेटा। वैलेंसी आपका क्वेश्चन कैसे भी पूछे, फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो ठीक है बेटा। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये हो गया है बेटा। तो अब आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, एक नोट लिखवा देता हूँ मैं, और टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना? और बेटा टेंशन ही नहीं रखना है, ना पेपर में ना क्लास लेते समय। जिसका चेहरा मुरझा गया बेटा उसकी साल मुरझा गई। हाँ इसलिए चेहरा नहीं मुरझाना चाहिए। देखो एक बार और समझा देता हूँ बेटा, फिर उसके बाद वही जयकारा समझ गए वाला। तो देखो देखो बेटा ये नोट कर लेना, बहुत अच्छी बात है, नोट। इन पीरियोडिक टेबल वैलेंसी इंक्रीजेस 1 to 8। बेटा वैलेंसी आपकी 1 से लेकर 8 तक इंक्रीज होती है। इसका मतलब तो ये हुआ सर 8वें नंबर पे तो बेटा क्या आता है? 8वें नंबर पे तो सर हमारा ऑक्सीजन आता है। 8वें नंबर का एलिमेंट क्या है आपका? ऑक्सीजन। तो वहां तक ये चीजें क्या है बेटा? बढ़ेंगी वो चीजें। तो हाइड्रोजन, हीलियम का जीरो है बेटा, लेकिन लिथियम का ऐसे बेटा आपका, लिथियम के बाद बेरेलियम, फिर उसके बाद बोरोन, फिर बेटा कार्बन, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर आपका ऑक्सीजन। तो ये चीज़ें ऑक्सीजन तक तो इंक्रीज हुई बेटा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगी? आप कहेंगे आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस। बेटा ये घट जाती है, और आप कहेंगे सर कहाँ तक? 1 to 4। तो बेटा मैं यही कहूँगा कि आपका ऐसे ग्रुप बने होंगे, फिर बेटा ऐसे ग्रुप बना है, फिर बेटा आपके ऐसे ग्रुप बने हैं। तो ये बात नोट कर लीजिए क्या, कि इस पूरे ग्रुप की बेटा, इस पूरे ग्रुप की जो होगी बेटा वो आपका +1, क्योंकि ये मेटल है बेटा +1। और बेटा इसकी जो होगी वो आपकी होगी +2। ऐसे बेटा ये जो होगा आपका +3। ऐसे बेटा ये क्या होगा? +4। और 4 के बाद फिर बेटा चीज़ें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी।
फोर के बाद क्या हो जाएगा बेटा, प्लस थ्री प्लस टू ऐसे ही बेटा प्लस वन और फिर आपका जीरो ऐसे ही बेटा, फिर क्या हो जाएगा फिर आपका वन टू थ्री फोर। तो ऐसे चीज़ें आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है बेटा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ध्यान भी ना रहे तो आपके पास बेसिक फॉर्मूला है वैलेंसी निकालने का या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा आप उसको भी याद कर सकते हैं, उससे आप किसी भी एलिमेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहाँ घटती है और कहाँ बढ़ती है ये चीज़ें हमने डिस्कस की। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ और उसका नाम है बेटा, आप कहेंगे सर एटॉमिक साइज। बेटा दूसरी प्रॉपर्टी देखिए एटॉमिक साइज, और बेटा एटॉमिक साइज जो होता है ना वो बेटा रिलेटेड होता है किससे, बेटा वो रिलेटेड होता है एटॉमिक मास से, रेडियस सॉरी एटॉमिक रेडियस से बेटा बहुत रिलेट करती हैं चीज़ें। कैसे रिलेट करती हैं चलिए कर लेते हैं डिस्कस। देखिए बेटा एक बात बताओ मुझे, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में या तो बेटा हॉरिजेंटली चलते हैं मतलब पीरियड में चलते हैं, तो या तो आप लेफ्ट से राइट चल सकते हैं बेटा या आप राइट से किधर आ सकते हैं लेफ्ट में, ऐसे ही बेटा ग्रुप में या तो आप टॉप से लेकर बॉटम आ सकते हैं या बेटा बॉटम से लेकर कहाँ आ सकते हैं टॉप आ सकते हैं। तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ क्या कि जब आप ग्रुप के अंदर यानी कि ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ से देखो बेटा ये आपका क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारा ग्रुप है, तो ग्रुप का ये तो पॉइंट हो गया बेटा टॉप और ये हो गया बेटा आप कहेंगे सर बॉटम, और हम कहाँ आ रहे हैं बेटा आप कहेंगे सर टॉप टू बॉटम। बहुत अच्छी लाइन है बेटा ये, हाँ बहुत सुंदर है ये लाइन, और इस लाइन ने तोड़ कर रखा है देखो क्या, देखो बेटा क्या तोड़ किया हुआ है देखो बेटा, हम कह रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बेटा बहुत है ये आपके आंसर हैं, व्हेन वी गो टू कहाँ बेटा आप कहेंगे सर टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ये बेटा ध्यान रखेंगे आप कि जब आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बेटा वो हमेशा चीज़ें बढ़ती है, क्यों अब रीज़न और दे दो, बिकॉज करके, बिकॉज इस बात को बताता है कि तुम्हें आंसर आता है, बिकॉज का मतलब यही है कि आप चीज़ों को जानते हैं, और बेटा जो नहीं जानते वो बिकॉज नहीं लिखेगा, तो तुम्हें तो लिखना है ना क्योंकि तुम्हें नंबर लेने अच्छे, तो बेटा बिकॉज का मतलब क्या है, बिकॉज न्यू ऑर्बिट और सेल आर एडिड इन एनी एलिमेंट। बेटा ये क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कल को क्वेश्चन यही आ जाए कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बेटा एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, क्यों वाई, तो आप कहेंगे बिकॉज एटॉमिक साइज रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस, और बेटा हम ये कहेंगे बिकॉज न्यू ऑर्बिट और सेल्स आर एडिड इन एनी एलिमेंट। ऊपर से नीचे आओगे तो बेटा एलिमेंट बढ़ेंगे, एलिमेंट बढ़ेंगे तो उसमें बेटा सेल बढ़ जाएगा, एस से बढ़कर पी हो सकता है बेटा, पी से बढ़कर डी हो सकता है, डी से होकर बेटा एफ हो सकता है। तो जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी बेटा, रेडियस बढ़ेगी तो उसका एटॉमिक क्या हो जाएगा, साइज जो है बेटा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा आप कहेंगे किसमें, बट इट डिक्रीजेस, बेटा ये घट जाती है कब, व्हाइल वी गो टू कहाँ बेटा आप कहेंगे सर लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। ये बेटा ध्यान से देखिएगा
जब मैं पीरियड के अंदर कहाँ से कहाँ मूव करता हूँ बेटा, लेफ्ट से राइट, यानी कि आप बाएं से, बेटा ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई और बेटा ये हो गई आपकी राइट साइड, बेटा ये हो गई आपकी राइट साइड, और अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो ये चीज़ें बेटा क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये जो चीज़ें हमारी ये डिक्रीज हो जाएगी बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ, इसमें अलग कारण देंगे, बिकॉज क्यों हुआ बेटा, बिकॉज इट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज सो इट अट्रैक्ट्स द न्यूक्लियस प्रोटॉन। बेटा ये आप रीजन देंगे, क्वेश्चन को हमने घुमा दिया है क्या बेटा, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें बेटा, मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि भाई चीजें टॉप से बॉटम में आए तो एटॉमिक साइज घट गया, तो बेटा उसका तो ये रीजन देना है, ये एक लाइन का है, ये आंसर देना है बेटा आपको। लेकिन जब हमसे ये कह दे क्या कि सर वो पीरियड के अंदर क्यों डिक्रीज हुआ जब हम लेफ्ट से राइट गए, तो बेटा आप इसका आंसर ये देंगे, क्योंकि बेटा आपके एलिमेंट में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और बेटा वो प्रोटॉन क्या करता है, उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा, तो बेटा अट्रैक्ट कर लेगा तो आपके ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच की जो रेडियस है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी, और रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज होगी बेटा हम ये कहेंगे वो उतना ही न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा, और बेटा रेडियस घट गई तो इसका मतलब उसका साइज ही घट गया बेटा, उसका क्या हो गया, साइज ही डिक्रीज हो गया। लेकिन बेटा अब एक वर्ड और लिखते हैं बहुत अच्छा सा, आप अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, और उसका नाम है बेटा वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा का मीनिंग होता है बेटा इसके ठीक अपोजिट। बेटा वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके ठीक अपोजिट। तो बेटा एक बात समझिए, क्या अगर मैं इसका उल्टा कर देता, क्या कि मैं टॉप से बॉटम की तरफ ना जा करके बेटा बॉटम से टॉप की तरफ आता, तो ये चीज़ें ठीक उल्टी हो जाती बेटा। अगर मैं टॉप से लेकर बॉटम ना जाकर वापस बॉटम से कहाँ आ जाऊँ, टॉप आ जाऊँ, तो बेटा जो एटॉमिक साइज है वो आपका इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप बॉटम से टॉप आते हैं बेटा तो ये चीज इंक्रीज की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और बेटा अगर मैं क्या करूं पीरियड्स के अंदर लेफ्ट से राइट ना जाकर राइट से लेफ्ट आ जाऊं, मैंने इस बात पर जोर दे के बोला है बेटा कि अगर मैं राइट से लेकर किधर आ जाऊं, लेफ्ट के अंदर आ जाऊं, तो बेटा पीरियड में जो आपका एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज की बजाय क्या होगा बेटा, आप कहेंगे सर इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा मैं यहाँ पर एक बात छोटी सी समझ गए कि अगर इसका उल्टा कर देंगे तो जहाँ पे डिक्रीज लिखा है वहाँ इंक्रीज हो जाएगा, और बेटा जहाँ पे इंक्रीज है वहाँ डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, क्लियर हुई? हाँ बेटा क्लियर हो गया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या बात बेटा, चलिए बेटा तीसरी प्रॉपर्टी जो है एक और पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, देखिएगा इसको, फिर बेटा इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ाएंगे बाकी की प्रॉपर्टी, और उसका नाम है बेटा मेटेलिक करेक्टर। देखो बेटा मेटेलिक करेक्टर, बेटा मेटेलिक करेक्टर बहुत अच्छी बात है बेटा, और इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको क्या है,
बेटा चलिए अपना ये लास्ट टॉपिक है इसका, स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बात मुझे बताइए आप कि आपके जो एलिमेंट हैं उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। और मैं जानता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो आपका एस ब्लॉक है उसके वो लेफ्ट साइड में है, और बेटा मेटल भी जनरली कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में, और नॉन मेटल कहाँ होते हैं, राइट साइड में। तो हम एक बात देखिएगा, क्या आप कहेंगे वहन वी मूव्स कहाँ बेटा, आप कहेंगे सर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। ध्यान से सुनो बेटा, इन पीरियड्स अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं देन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर इज डिक्रीज्ड। बेटा आप रीजन यही देंगे क्योंकि सर राइट हैंड साइड में तो हमारे क्या है, नॉन मेटल है बेटा, तो नॉन मेटल में कोई एक्सेप्शनल केस ही था, एल्यूमिनियम था, लेड था बेटा, इस तरह के जो एलिमेंट थे वो मेटल थे, लेकिन बेटा जनरली आपका नॉन मेटल है पी ब्लॉक के अंदर। तो बेटा हम जब नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं यानी कि लेफ्ट से राइट की साइड जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, मेटेलिक करेक्टर तो डिक्रीज ही होगा ना। हाँ मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन बेटा आप ग्रुप की बात कर लेते हैं, वहन वी मूव्स या मूव कर लो बेटा, फ्रॉम कहाँ से बेटा, आप कहेंगे सर टॉप टू बॉटम। ध्यान से देखना बेटा, टॉप टू बॉटम इन, और बेटा टॉप टू बॉटम पीरियड में नहीं जा सकते, हम केवल ग्रुप्स के अंदर ही जा सकते हैं। तो बेटा आप क्या कहेंगे, देन मेटेलिक करेक्टर, देन मेटेलिक करेक्टर इज डिक्रीज नहीं होगा बेटा, उल्टा कर दो, और उसको हम क्या लिख रहे हैं, आप कहेंगे सर इंक्रीज। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बेटा दो चीजें होती हैं पीरियोडिक टेबल में, फिर से सुन लो बेटा, ऐसे होता है पीरियड और बेटा ऐसे होता है आपका ग्रुप। तो ग्रुप में तो हम टॉप से लेकर बॉटम जा सकते हैं बेटा, लेकिन जो पीरियड है बेटा उसमें हम लेफ्ट से लेकर राइट भी जा सकते हैं और बेटा राइट से लेकर लेफ्ट भी आ सकते हैं। ऐसे ही बेटा ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जा सकते हैं। तो यहां पर जो चीजें लिखी है वो केवल लेफ्ट से राइट और बेटा टॉप से बॉटम, लेकिन इसका ठीक अपोजिट कर दें तो ये चीजें जहां पर इंक्रीज लिखा हुआ है वहां डिक्रीज हो जाएगा, जहां पर डिक्रीज लिखा है वहां इंक्रीज, मतलब वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा बेटा। तो मैं अगर ये कहता व्हेन वी मूव फ्रॉम, अगर मैं राइट पहले ले लेता और लेफ्ट बाद में, तो बेटा आप यहां पे डिक्रीज की बजाय इंक्रीज लगाते, और बेटा अगर ग्रुप में मैं बात करता बॉटम से टॉप की तो बेटा यहां पे जो इंक्रीज वर्ड है वहां पर आप क्या लगा देते, डिक्रीज लगा देते। तो बेटा आज हमने इसकी तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली है, और बेटा तीन प्रॉपर्टी के अंदर हमने एक एक चीजें अच्छे से समझी। कहने का मतलब है आप समझ गए, तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो बेटा फिर स्कूल खुलेंगे ना तब समझाएंगे। और ये जितना भी काम मैंने बोर्ड पर लिखा है ना, अगर फेयर नोटबुक में नहीं मिला तो सारी मस्ती निकालूंगा बेटा मैं, पढ़ाई के मामले में बहुत, मतलब ये समझ लो गुसेल आदमी हूं मैं, काम चाहिए मुझे, वीडियो और कहोगे दो घंटे की बना दूंगा, लेकिन बेटा काम करो, है ना, पेपर आपको देना है, पास फेल मेरिट एनटीएससी सिलेक्शन सब आपके ही होने हैं। टीचर को तो वैसे अंदर से खुशी होती है कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है ना बेटा, और आपके भविष्य के लिए ही अच्छा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, और जन्माष्टमी अच्छे से मनाओ बेटा, है ना,
और क्या है कि बढ़िया कपड़े पहनो, अच्छे तरीके से रहो, कोरोना में बाहर मत निकलो। ये संदेश आप लोगों के नाम कि कोरोना में बाहर मत निकलो बेटा, बहुत केस हो गए, 20 लाख से ऊपर केस हो गए हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू बेटा। पूरे 100 सब्सक्राइबर आज लिया हो, की दही तोड़ूंगा 150 बालक से, ये साथ साथ कर है मुन 5,000 बालक चाहिए तो स्कूल में क्या कौन यार। एक एक टीचर से सर, वो गंजो सो आपने सर देखे होगा यूट्यूब पे, आसु, 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 आसु,